काली नगर में काली चरण के काले कारनामे को बार बार नमस्कार। साहू की नगरी में चोरों पे सब करते हैं ऐतबार नमस्कार। देखो कौन आया है इतने समय के बाद। क्या आजकल तो शहर में नहीं है? हाँ मैं कहाँ जाऊंगा विनोद, मैं तो यहीं हूँ। नहीं तू दिखा नहीं ना मुझे, इसीलिए लगा तू कहीं चला गया। क्या अंकल नहीं आए? मुझे उनसे जरूरी काम से मिलना था। वो अभी आएंगे, जरा वेट कर। आजकल तू खाता पीता नहीं है क्या, या सोने को नहीं मिलता है, कमजोर हो गया है? हम सब दोस्त मिलकर एक छोटा सा बिजनेस प्लान कर रहे हैं। हाँ। इसीलिए बहुत भागदौड़ करना पड़ रहा है यार। तो मिलकर बिजनेस कर रहे हो, तू थक जाएगा, सच में थक जाएगा। हाँ बोलो। तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो जब मैं फोन करती हूँ? मैंने बहुत बार कॉल किया, क्या तुम्हें मजाक लगता है ये? मुझे अभी कंफर्मेशन चाहिए। शांत हो जाओ, मैं सारी तैयारी कर रहा हूँ ना, बीच में फोन करने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें बताया था ना। तुम कब कॉल? मैं बाद में फोन करता हूँ। तुम नहीं करोगे? बोला ना करता हूँ।
ये देखो अभी दुकान भी नहीं खोली और ये चाय पी रहा है। ए, तूने मैक्स 100 का काम पूरा कर दिया? नहीं अभी तक नहीं हुआ। जल्दी से हो जाएगा कि नहीं? हाँ, हो जाएगा। वो राजन मेरा सर खा रहा है। ये चाय पीना बंद कर और काम खत्म कर। अंकल गाड़ी रुक 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 रुक। हेलो अंकल, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। अंकल प्लीज मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। ये ले 500 और निकल। थैंक यू। ए, वो ब्रेड का पैकेट देना जो मैं रोज लेके जाता हूँ। जब हमने 4 टिकट खरीदी और साइड में खोलने की कोशिश की तब पुलिस वाले ने सिविल ड्रेस में हमको पकड़ लिया। अच्छा। और जैसे ही राइट मार के भाग फंस गया यार। उस दिन के बाद आज ही देख रहा हूँ। अब नए हॉस्पिटल का केस है। हाय ब्रो। हाय ब्रो, व्हाट्स अप? हाँ ठीक हूँ मैं। ये दोनों वही लड़के हैं ना? हाँ यही हैं। उनको यहाँ आने के लिए बोल। हाँ, आ जाओ ना। अरे यहाँ आने की वजह क्या है? मैं और मेरे 3-4 दोस्त एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं। हरी सब्जियों का बिजनेस। ओह इसका मार्केट बहुत अच्छा है अंकल। हाँ। अगर हमने थोड़ी मेहनत की ना तो हर महीने 30,000 रुपए कमा सकते हैं। भगवान। हम 3-4 लोगों ने मिलकर 50,000 में एक जगह ली है, बस सब्जियां ही भरनी है। हम वहाँ से सस्ते में लेके आएंगे और यहाँ अच्छे रेट में बिकेंगी। तो जब हम सब्जियों को अच्छे से साफ कर लेंगे तो वो बिल्कुल ताजी दिखेंगी और 50 रुपए किलो बेच देंगे। 50 रुपए का फायदा? हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो तुम्हारा ठगी करने का प्लान है, चीटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा है। मैंने 10,000 रुपए एडवांस दे दिया है और 40,000 बाकी है। 40,000? जरा इधर आ बेटे, तू इन पैसों के लिए अपने बाप से क्यों नहीं कहता? मेरे पापा मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते। अच्छा, मैं आंखें बंद करके तेरी सारी बातें मान लूं? हाँ नहीं ऐसा नहीं। तेरे बाप के पास तेरी करतूतों का सारा किस्सा है। तेरे पापा अपने घर में तिजोरी लॉक करके रखते हैं और चाबी अपने पॉकेट में रखते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें चोरों का डर है, वो तुझसे डरते हैं। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये मजाक नहीं है। यहाँ वहाँ भटकना बंद कर और कोई ढंग की नौकरी ढूंढने की कोशिश कर। सुना है मैंने तेरे कारनामों के बारे में, तेरी दोस्ती और तेरा पीना मवालियों और जेब कतरों के साथ है ना? और कुछ बताऊं तेरे बारे में? क्या तूने कसम खा रखी है कि जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा और ऐसे ही उल्टे सीधे काम करेगा? नालायक, चल निकल यहां से। ए, इधर आ। ये ले। और मुझे पता चला कि तूने इससे शराब खरीदी है तो देख लेना। हाँ थैंक्स। ठीक है ठीक है। 50,000 रुपए लेने आया था, 500 रुपए देके हाथ में भगा दिए। गलती होगी मेरे से, मेरी 2,000 की शर्ट खराब करी तूने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे थूकने की? मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। और तू कहेगा? और तू बताओ बताओ तेरे को? अरे नहीं और तू कहेगा तुम्हारे पे? अरे भाई पैसे मत लो। खोल ये लुंगी भी गाँव में निकाल दो। निकाल निकाल बच्चा है। अबे निकाल छोड़ दो यार। अरे डीजल के पैसे है, दूर एक और मारूंगा। पैसे ले लोगे तो डीजल कैसे डालूंगा? बोला ना अबे 2,000 की है समझा? चल हट तू भाग यहां से। अरे मारो मत, पैसे ले रहे हो। निकल निकल यार। भाई पैसे ले लो। निकाल निकाल काम से निकाल दे यार। भाई भाई सुनो तो पैसे दे दो। निकल डीजल डालने के लिए पैसे।
अरे गाड़ी से थूकते समय सोचना चाहिए तुझे। अबे तेरे बाप की सड़क है, किसी पे थूकेगा तो। अरे मेरी बाइक। अरे तेरी माँ की। हमारी बाइक ठीक है? हाँ। तो जाके पुलिस को फोन करो ना। चुप कर तू, मुझे पता है बाइक का क्या करना है इसकी तो। अबे कहाँ जा रहा है, पैसे ले लिए ना, अब मुझे शर्ट दे। शर्ट निकालू? अरे पैसे लिए ना तूने, अब शर्ट दे, समझा? अरे मैं कह रहा हूँ तैयारी कर रहा हूँ। पापा चार दिन बाद आ रहे हैं। बार फोन करके क्यों परेशान कर रही हो? मैं ये बहुत बार सुन चुकी हूँ। मैं बाद में फोन करता हूँ ना। कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम जेब काट के चोरी करके भी नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारे घर के सामने लटक कर अपनी जान दे दूंगी। मेरे साथ मत खेलो समझे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। चिल्ला क्यों रहे, मैं तेरे पैसे दे दूंगा ना, चाहे मारो काटो लूटो कुछ भी करो, प्रथेश मैं तुम्हारी वजह से मर जाऊंगी, देखना तुम। होने वाले इस आगामी चुनाव में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रत्याशी को आप पहले परखें और तब जाकर उसकी पार्टी को समर्थन दें। आपका वोट बहुत ही कीमती है, आप सोच समझ कर अपना मतदान करें। जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता है तब तक ऑफिस का संचालन नहीं किया जाएगा। आपको इंतजार करना चाहिए, इस इंतजार के बाद जो फल आएगा वो मीठा ही होगा। इंतजार कीजिए, इंतजार जरूरी है, तभी समाज का और हम सब का भला होगा। वो फाइल देना। अरविंद को खोए हुए 4 महीने हो गए, उसका हिसाब अभी भी बाकी है। ये उधर बांटना है ना? हाँ, ये उधर बांटना है। अच्छा, ठीक है, हमारे सर पर बैठ जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी मत करो। पहले से हमारा रुतबा खराब है, हमें रुकना चाहिए, अच्छा मौका मिलेगा हमें, इंतजार करो ना, मौका मिलेगा। हाँ थोड़ा आगे, हाँ यहाँ रख दो, ठीक है ओके ओके। हाँ यहाँ ठीक है। क्या चल रहा है? और थोड़ा सा ऊपर करो ना। नहीं, हाँ। नहीं भाई फ्लेक्स लगा फ्लेक्स तो ठीक है, लेकिन फंड का क्या हुआ? भाई बस आने वाला है। हाँ तो जल्दी करो ना फिर, लेकर के मैं घर पे। हाँ घर पर आ जाना। हाँ ठीक है ठीक है। भाई यहाँ पर सब हो गया है, एक काम करो झंडे लेकर इसके साथ चले जाओ। काम करता है, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। अरे वो जो आदमी है ना, उसको मैंने देखा था, उसके पास इतने सारे पैसे थे। <coughs>
ये कैसी फोटो है? मैं मरने जा रही हूँ, लटक गई हूँ। ये भगवान, ये क्या है? क्या हुआ तुझे? किसी ने मारा क्या? क्या बताऊं विल्सन भाई, एक कुत्ता पीछे पड़ गया था। अगर कुत्ता पीछे पड़ा तो आंख कैसे लाल हो गई? वो कुत्ते के डर से भाग रहा था, दीवार कूदा तो। वो पीली दीवार वाले घर का कुत्ता? हाँ। पागल कुत्ता है भाई, पूरी तरह से सटका हुआ है। तुझे काटा तो नहीं ना? नहीं तो मेरे पास दवा है। अब देख, इसको निचोड़ कर। और ऐसे विल्सन भाई, ये हरे पत्तों से कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो। अरे ये देसी दवाई है। हाँ रोक ले, रोक ले, यही रुक। अरे रोक ना, ये ले पैसा ले। ये कौन है? हाँ हाँ चल निकल अब। विल्सन भाई, ए गिल्बर्ट भाई, ऑटो में बिना शर्ट के गर्मी लग रही है क्या? क्या बताऊं भाई, जब मैं बाइक से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक बंदे ने मेरी बाइक चुरा ली। और शर्ट का क्या हुआ? शर्ट, मेरी बुद्धि सनक गई, मैंने शर्ट जला दिया। जाए मेरा 2000 भाड़ में। अच्छा ठीक है, अंदर आ जा। अच्छा कहाँ पर हुआ ये? हाईवे के मोड़ पे हुआ। हमारे एरिया में ऐसा हुआ? हाँ यार, तू चिंता मत कर, हम उस बाइक को ढूंढ लेंगे। मिल जाएगी क्या? इसके लिए अपना खास बंदा है ना। डोंट वरी भाई, ठीक है। ये देख, तू ये शर्ट पहन ले। जहाँ गिल्बर्ट भाई, ये अपना दोस्त है प्रत्यक्ष, अपनी फुल टाइम कंपनी है। हाय, आई एम गिल्बर्ट फ्रॉम चंबकारा, विल्सन भाई का पुराना दोस्त। ये अच्छा पौधा है, अगर हम ठीक से पानी देंगे और ध्यान देंगे तो जल्दी बड़ा हो जाएगा। और सुनो भाई, ये मेरा बचपन का दोस्त है। तेरे थोबड़े को क्या हुआ? वो बस में फिसल के गिर गया। पर तूने तो कहा कुत्ता पीछे पड़ा था। अरे विल्सन भाई, वो बस में फिसल कर कुत्ते के सामने गिर गया था। तो फिर कुत्ता वहाँ वेट कर रहा था क्या? पता नहीं यार, तू कुत्ते से जाके पूछ ले। विल्सन भाई, हमें वो बाइक कैसे भी करके ढूंढनी है। बाइक यहीं पर आ जाएगी रे, तू चिंता मत कर भाई। अभी तू जा। हाँ ठीक है। ए मंजू। हाँ क्या हुआ? आ रही हूँ। मंजू, ये बाइक किसकी है? तुम्हारा भाई लेकर आया है। कहाँ है वो? यहीं कहीं होगा, भगवान जाने किसकी बाइक है। कहाँ गया? यहाँ बैठा है, अभी दिखाता हूँ इसे। हाँ सर, मैं मणि। एक काम था सर। सर क्या KRH 1215 यामा की बाइक चोरी हुई है? क्या स्टेशन में ऐसा कोई केस आया है? अगर ऐसा कोई केस आया तो वो बाइक मेरे पास है, मैंने इसलिए फोन किया। किसने कहा कि मैंने ये बाइक चुराई है? मैं यहाँ कोई भी बाइक लेके आऊंगा, तुझे लगेगा कि मैंने चोरी ही की है। ओ, जैसे कि तूने कभी बाइक चुराई नहीं है। तुझ पर चोरी के 8 केस लगे हुए हैं। मेरे ही नाम पर? मैं देख लूंगा। क्या देखेगा तू, तेरा कोई रुतबा थोड़ी है। पर हम ऐसे नहीं है, यहाँ पर सब लोग शांति से रहते हैं। तू जो भी चुराएगा उसे मैं ऐसे ही घर में नहीं लाने दूंगा। ओह, तेरे कहने का क्या मतलब है? मुझे मेरे घर में नहीं आना चाहिए। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। हमारे माँ बाप ने ये घर तेरे नाम किया है, बाकी जमीन तो पड़ी है ना, चल उसको बांट लेते, झंझट ही खत्म हो जाएगा। बंटवारा करना चाहता है? हाँ। बंटवारा करने के लिए है ही क्या? तेरी जमानत के लिए मुझे कोर्ट में 80,000 देने पड़े थे, भूल गया? तो पहले तू वो चुका दे, उसके बाद अपना हिस्सा मांग सकता है। तो तू 80,000 रुपए के लिए ये सब नाटक कर रहा है? अगर मैं चाहूँ तो कल सुबह होने से पहले सारे पैसे लाके दे सकता हूँ। हाँ तो तुझे कल सुबह तक का टाइम चाहिए ना, तेरा काम रात को जो हो जाता है ना। मेहनत करो और इज्जत से कमा, वही शराफत है। अच्छा, बड़ा आया शरीफा, लोगों को पैसे देके उनकी जमीन हड़प लेता है, प्रॉपर्टी चोर कहीं का। सब जानता हूँ तेरे बारे में। ये देख, अगर तू तमाशा करेगा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि भाई है तू मेरा। ये हर समय लड़ते रहते हैं। मुझे मारेगा? अरे मारना, मैं सब जानता हूँ कि तूने अपना काला धन कहाँ छुपा के रखा है। मुझे मारेगा, एक दिन पुलिस वाले तेरे घर पे रेड मार के तेरे सारे काले कारनामों को खोल देंगे और सबको पता चल जाएगा तू कितना शरीफ है। तू जा अंदर जा। एक तो बड़े भाई से पहले शादी कर ली और ऊपर से भाषण दे रहा है, समझता क्या है? पता नहीं ये मुझसे पहले क्यों पैदा हो गया,
तुम ऐसे क्या देख रही हो? खाना लगाओ ना, मुझे जल्दी जाना है। जैसा बाप वैसा बेटा। कल्ला भी कल्ला। नमस्कार। वकील साहब आप सही कह रहे हो, अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं चलने वाला। पर पैसे देने होंगे। पर आप 1.5 लाख रुपए बोल रहे हो, मैं कहाँ से लाऊंगा? इतना पैसा करना मेरे बस की बात नहीं है। किसी से मांग लो। मुझे कौन देगा पैसा वकील साहब? और वैसे भी हम जैसे चोर और बदमाशों की वजह से ही तो आपका कोर्ट चलता है, ये मत भूलो आप। अरे आप थोड़ी तो मेहरबानी करो। ठीक है, 1 लाख पे डन करते हैं। वकील साहब ये क्या कह रहे हो, मेरे पास 1 लाख हो सकते हैं क्या? तो फिर फरार हो जाओ। हाँ, इस बात का फैसला मैं करूँगा कि फरार होना है या नहीं। अब तुम इसमें टांग मत अड़ाओ। ठीक है। केस की सुनवाई 15 को है ना? हाँ। चलो ठीक है, कोर्ट में मिलता हूँ। नारियल पानी क्या हुआ? भाई सोच रहा हूँ मुझे थोड़ा पैसा कमाना होगा। अरे भाई मेरी बाइक का क्या हुआ? फोन करो ना भाई। मैंने फोन किया रे पर उठाया ही नहीं। अगर मेरी बाइक होती तो कोई बात नहीं थी, मगर वो फादर की बाइक थी। क्या कहा? हा? अच्छा तेरे बाप की बाइक है? तूने बताया क्यों नहीं तेरे फादर की बाइक है? मुझे अभी एहसास हुआ, ये बहुत दुख की बात है यार। मैं तेरे लिए अभी कुछ करता हूँ, रुक जा। अब तुझे देखा तो ये जाना है सनम। अरे कुछ तो मिल जाए, अभी तक बोनी भी नहीं। कौन सी वाली चुराऊं? हाँ ये ठीक है। बसंती स्टार्ट हो जा। अरे अरे मेरी बाइक, मेरी बाइक है, रुक रुक, बाइक भी है। अरे मेरी, अरे जीजस ये कैसे हो गया आपके सामने? मेरी यामा कहाँ है भाई, कब वापस मिलेगी? फोन कर रहा हूँ ना, अगर उसने एक बार उठा लिया ना तो तेरा काम हो जाएगा। तेरी बाइक का नंबर क्या था? KRH 1215। क्या कहा? 1215। KRH 1215। KRH आप दोनों आपस में लड़ाई मत करो। अरे तुम दोनों मेरे खास दोस्त हो। तू समझा वो कौन है? हाल ही में किसी ने मुलाकाओ टेक्सटाइल में घुसकर चोरी की थी ना, ये वही है 5 लाख वाले। कमाल का बंदा है यार। अरे आना। अरे अपना पियकर शिवन और मेरा खास दोस्त है यार, मेरी बात को समझ। उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन तुझमें है क्या भाई? सॉरी। ए इसके शर्ट वापस दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे पता नहीं था भाई तुम कौन हो, बाप की बाइक है इसलिए गुस्सा आया। हाँ तुझे शर्ट उतारने की जरूरत नहीं है, पर इसे माफ कौन करेगा? 3-4 पैक तो बर्बाद कर दिए, हम इसे भूल नहीं पाएंगे। अरे मैंने क्या किया भाई, पैसे रहेंगे तो और आ जाएगी ना। यही तो मैंने कहा, तुझे हिंदी नहीं समझ आती क्या? देख कैसे भी करके पीने का जुगाड़ करें, नहीं तो वो परेशान करेगा और बाद में फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। एकदम पियकर है, फुल टाइम पीता है। हमें शराब ही लेनी है ना भाई। तेरे पास पैसे हैं? पैसे तो मैंने एक आदमी से उधार लिए हैं। ब्याज पे? हाँ।
ब्याज पे लिए। वाह क्या बात है, तो 3 बोतल लेकर के आना, वो थोड़ा ज्यादा पिएगा और हमको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल चल, अरे आ जाना चुपचाप, आ जा भाई मेरे साथ चलेगा? मैं नहीं आ रहा भाई, मुझे रूट पता नहीं है, प्लीज चलना। देख प्रत्यक्ष, जाना उसके साथ, कुत्ता पीछे पड़ गया तो घर पे बैठे रहेगा। अरे अब तक वो कुत्ता बस पकड़ कर चला गया होगा। तू जा, अब मुझे चार्ज करने दे और बर्फ तोड़ने दे, तू बस उसी चलना, जाना प्लीज चलना। अरे जा जा जा, जल्दी आना ठीक है? हाँ ठीक है, आ जाएंगे। कम से कम 3-4 बोतल तो आएगा ना। हाँ क्यों नहीं लेके आएंगे भाई। भाई हाँ, ये शिवन कैसा है? बहुत खतरनाक है भाई। ऐसा क्या? अगर मैं पैसे के लिए बोलूंगा तो मदद करेगा क्या? हाँ मुझे नहीं पता। अच्छा मैं उससे पूछ कर बताऊंगा। ओ मुझे भी पैसे की बहुत जरूरत है। ऐसा क्या? हाँ इधर से। किधर? राइट। किधर? राइट। अरे राइट, यहाँ से शॉर्टकट है। शॉर्टकट? हाँ देखिए रास्ता कितना अच्छा है ना। हाँ तो फिर दूसरे रास्ते से क्यों जाएंगे? हाँ ठीक है ना, एकदम सीधा रास्ता, शॉर्टकट रास्ता। अच्छा और एकदम खुली हवा है ना। चल भाई आ गए हम लोग अब। रुक रुक। हाँ हाँ रुकता हूँ। रुक यार, पैसे हैं क्या सिगरेट के लिए? ये ले सेठ, अब आपका पोस्टर एकदम अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा, तुमने पोस्टर बहुत अच्छा बनाया, लाइटिंग भी बढ़िया की। हाँ वाकई अच्छा है। अच्छा है? हाँ आपको पसंद तो आया ना। चलो एक सेल्फी लेता हूँ। हाँ जरूर जरूर। हाँ बहुत हुआ, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। अरे उतरो नीचे। अरे ये वाला नहीं, कैंसर होगा। सर ये वाला ट्राई कीजिए। एक चिप्स दे दो, मिक्सर वाला देना। हाँ देखो कितना शानदार लग रहा है, पोस्टर में एकदम शान से खड़ा हूँ। अपनी पब्लिसिटी अच्छी हो रही है। पब्लिक सिटी से ही बिजनेस बढ़ता है, समझे? हाँ बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए, मेहनत करने से सब कुछ अच्छा होता है। इस बार तो पार्टी में भाई जीतने चाहिए। अरे तो वही आदमी है ना जो पॉकेट मार रहा था। हाँ बैठ बैठ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ चल देखते हैं। चल 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 जल्दी कर। हाँ बैठ बैठ जल्दी बैठ। चल ना चल जल्दी जल्दी करना, और तो जाने मत देना। देखते रहे, छोड़ना नहीं। अरे कौन से रास्ते से लेके जा रहा है, कौन सा रूट है? अरे मैं जानता नहीं। अरे जल्दी कर, अगर पकड़ लिया तो भरता बना देंगे मार मार के। अरे तू चिंता मत कर, मेरे बाप की गाड़ी है ये। यार कैसी खतरनाक गाड़ी है तेरी ये, जल्दी चला। टेंशन मत ले, चल रहा हूँ चल रहा हूँ। अबे तू टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूँ ना, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रुक 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 रुक, इधर इधर। अच्छा ठीक है, चल चल। अरे चल रहा हूँ, जल्दी कर। जी लगता है भाग गया जी। अरे वो शायद इधर से गए होंगे, उस तरफ गए होंगे। अगर आज मिल जाते हैं ना खाल उतार देते। हेलो बोलो भाई। एक ऐसी जगह जहाँ गुंडे छिप सकते हैं, मालिया टूर एरिया जो कलाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, ये ज्यादातर जंगल का इलाका है। आम लोग यहाँ बहुत ही कम आते हैं और जो लोग आते हैं उनका बचपाना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए हमारा एरिया जंगलों से भरा है, वहाँ पे चोरों का आपका फोन बज रहा है और इस तरह की छोटी मोटी चोरियां होती रहती हैं। जरूरी नहीं उठा, चोरों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भाई उठा लीजिए, क्या पता कोई मर गया हो, हम तो वहाँ जाकर ही पियेंगे ना। ईमानदारी से इस काम को कर रही है। हेलो कहाँ हो? सेंट्रल जेल में हूँ, तुझे आना है क्या? तू सुबह किसकी बाइक लाया था? वो मेरे दोस्त के बाप की थी। तू इन सब बारे में क्यों जानना चाहता है, तू कोई पुलिस वाला है क्या? एक शराबी लड़का जो हमसे बचकर भागा वो बाइक पे जा रहा था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू सचमुच सेंट्रल जेल में पहुंच जाएगा, समझ गया? क्या हुआ भाई, क्या केस है? वो बाइक को लेके लफड़ा हो रहा है, उन्हें फोन करूं क्या मैं? अरे जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। इस कमीने की नजर ऑमलेट पे पड़ गई लगता है। तुम लोग इतनी देर तक क्या बोलो शिवन भाई, इस भाई ने कहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है तो हम इस गली से उस गली भटक रहे थे। बाइक को लेके कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना?
क्या दिक्कत है? बाइक तो सही है ना, बाप की बाइक है ना, दिक्कत तो इसे होगी। तुझे क्या परेशानी है? सुबह गैंग से भिड़ गया था, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा तो बस और कुत्ते के बजाय तू गैंग से भिड़ा था क्या विल्सन भाई? चल कोई नहीं, बोतल दे लो। ग्लास कहाँ है? अंदर है ना। ए भाई इसे यहीं पर छोड़ दो, कोई नहीं लेके जाएगा। नहीं भाई, ये मेरे बाप की जान है, मैं इसे बाहर नहीं छोड़ सकता। आज्ञाकारी बेटा। अंकल मैंने सुना है तूने किसी का पॉकेट मारा है, किस लिए मारा? किसने कहा? बता मुझे। चल चल जाने दे। मेरे पर्स में 500 रुपए थे, जो आपने दिए थे वही चोरी हो गए। दो लोग यहाँ आकर कह रहे थे कि पर्स तेरे पास से मिला, अब मैं उनसे क्या कहूँ बता? ऐसा कुछ नहीं अंकल, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया, इन्होंने ही उससे लिया होगा। क्या? छोड़िए, आप पर्स ले लीजिएगा और मैं आकर आपसे ले लूंगा। अरे वो कह रहे हैं कि वो तुझे ही देंगे, अभी तू कहाँ है? मेरी दुकान पर आ जा। अच्छा ऐसा है। ठीक है तो मैं ही ले लूंगा। ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ ऐसा ही करते हैं। तू कहाँ है अभी? बस आप उनसे पैसे ले लेना अंकल। पहले तू बता है कहाँ? और मैं उनसे मिलकर पर्स ले लूंगा। ये तो ठीक है, ओके। अरे प्रथेश, प्रथेश फोन काट दिया। अरे उसने फोन काट दिया। हाँ चलो आ जाओ। हाँ मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगा, मैं उससे बात करके सब निपटाता हूँ ना। हाँ हाँ। अरे भाई मेरी कमाई तो बस उसी फील्ड से होती रहती है, बॉस और मेरे बीच में समझौता हुआ है, अब ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा है, 50 रुपए के लिए भीख मांगना पड़ता है भीख। अरे भाई काम के लिए पैसे लगते हैं, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। हाँ ठीक कहा ना भाई। हाँ हमको पैसा ही चाहिए। भाई इधर आओ ना। हो गया। हमारे शिवन भाई के चेहरे पे एकदम चमक है, क्या बोलता है रे तू? एकदम हीरो के माफी। हाँ क्यों नहीं, सही कहा तूने। भाई शिवन भाई आपने वो 5 लाख रुपए कहाँ रखे हैं? मैं वो चुराने वाला नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे वो बहुत ही सेफ जगह पे है। बैंक में? नहीं मेरे घर पे। घर में? अरे फोन मत उठाना। मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो, कहाँ रहते हो हमेशा? हेलो विल्सन भाई फोन मत उठाना। मैं? अरे बोलते क्यों नहीं? भाई। बड़े भाई जैसा हूँ, मेरा नाम विल्सन है। क्या बात है बताओ ना मुझे। ठीक है तो सुनो बड़े भाई, 3 महीने से इसने मेरा हार गिरवी रखा है और अब तक वापस नहीं किया। मेरे पापा आने वाले संडे को, अगर उसने इससे पहले मेरा हार नहीं लौटाया तो उससे कहो कि वो मुझे मरा हुआ देखेगा। मर जाएगी। बड़े भाई सुन रहे हो मुझे? मेरी सारी डील ऐसे ही होती है। मैंने तुमसे कहा था ना फोन मत उठाना, मेरी पर्सनल बातें भी तो हो सकती है ना। हम सभी के अपने अपने निजी मामले होते हैं। मुझ पर चिल्लाना बंद कर और उस लड़की का गिरवी रखा हार उसको लौटा दे, नहीं तो वो तेरे घर के सामने आके मर जाएगी। क्या? मुझे नहीं पता, इससे पूछो। भाई क्या परेशानी है, बोलना, हम सब सोल्व करेंगे ना। बताना यार क्या हुआ। हाँ बता। शिवा भाई मुझे बहुत इमरजेंसी थी तो मैंने एक लड़की का हार लेकर गिरवी रख दिया था। अच्छा। पर मैं समय पे छुड़ा नहीं पाया। ओके। अब मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ और लाचार भी हो गया हूँ। तुम्हें उसको कितने पैसे लौटाने हैं रे? 2 तोले का हार है, ब्याज लगाकर 40,000 तक लगेंगे। 40,000? तूने इतने पैसों का क्या किया? मैंने भी तेरे उधार चुकाने के लिए 5,000 दिए थे। तूने जब भी कहा बोतल लेके आया, तूने ये कभी सोचा कि ये सब कहां से आता है, कैसे लाता है? चुप क्यों है, बोलना। हाँ यार खर्चा तो बहुत होता है। अब समझा, तुम लोग कभी भी मेरा दुख नहीं समझ सकते। अरे थोड़ा पानी तो मिला लेता, लीवर जल जाएगा। वो सुबह से व्हाट्सएप पर फांसी लगाने की फोटो भेजकर मुझको धमकी दे रही है, कह रही है कि मर जाऊंगी मैं, पंखे से लटक कर जान दे दूंगी मैं, और सुसाइड नोट पर मेरा नाम लिखने के लिए कह रही है। ये धमकी नहीं दे रही है, मुझको रुला रही है, रुला रही है मुझको। परेशान मत हो यार, देखते हैं ना सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई चिंता तरह मत रो यार, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना उसके लिए। क्या होगा भाई, आप एक काम करो, 40,000 इसे दे दो, इसके पास जब आएंगे तो पैसे ही आपको लौटा देगा। शिवन भाई प्लीज हेल्प कर दो ना। शिवा भाई भाई
नहीं दे सकता यार, अगर मैं दे भी दूं तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों? वो इसके काम ही नहीं आएगा। अरे भाई ये सब क्या बोल रहे हो, साफ साफ बताओ ना। जैसा कि तुझे पता है मैंने सच में 5 लाख रुपए चुराए थे, कैसे भी करके दुकान में तो घुस गया मैं। हाँ, तो मैंने सोचा सब कुछ ठीक है तो आराम से सो गया, पैसों की मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी। जब मैं सो के उठा तो न्यूज में सुना कि उसके बाद मेरे प्यारे देशवासियों आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016। अरे इसकी तो, और मैंने जो भी पैसे चुराए थे सब 500 के नोट थे, सब वेस्ट हो गए। फिर पैसों का क्या किया? थोड़े बहुत नोट तो मैंने रेलवे स्टेशन और पेट्रोल पंप पे बदल लिए। बैंक में जाकर क्यों नहीं बदले? ये क्या कह रहा है, तुझे पता नहीं है क्या? तो भाई आप किसी मुझे से गरीब को दे देते? अगर मैं किसी को देता तो मुझसे पूछता ना कितने पैसे कहाँ से आए। इसीलिए मैंने अपने घर के पिछवाड़े खोद के उन्हें गाड़ दिए। अगर पुलिस ने तुम्हें पुराने नोट के साथ पकड़ा तो फंस जाओगे। मेरे घर पे नहीं, मेरे भाई पे केस ठोकेंगे, और यही तो मैं चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैंने उसे फंसाने के लिए। क्या बात है भाई, तुम तो एकदम स्टार हो भाई। सही का, जब देखो तब मुझे ही परेशान करता रहता है। बड़े भाई को ऐसा ही होना चाहिए। भाई मेरे पास तेरी मदद के लिए भी पैसे नहीं है, तो वैसा कर मेरी बाइक बेच दे और अपनी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। अरे अपने बाप को क्या कहेगा? अरे मैं बाप को कुछ भी कह दूंगा, मेरे दोस्त मेरे लिए बाप से भी बढ़कर है। तुझे अब बेच दे से। और हाँ, लेकिन कागज बाप के पास है, जितने में बिके बेच देना। क्या मुझे ऐसा करने से मुझे उतने पैसे मिल जाएंगे? अरे क्या कह रहे, उठ ना। अरे ऐसे बैठकर थोड़ी होगा, चल हम सब सॉल्व करते हैं, चल ना। जितने भी मिलेंगे बेच देना, जो भी होगा हम देख लेंगे, हम सब है ना, है ना शिन भाई? हाँ। सरकार हर बार थोड़े थोड़े नोट बदल रही है, लेकिन हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। बोल तू करेगा? क्यों नहीं, तो कल से ही शुरू कर देते हैं। अरे हम लोग धमाल मचा देंगे। अरे मेरा भाई, तू बस से गिरा था या तेरे पीछे कुत्ता पड़ा था? क्या हुआ था मुझे सच सच बता। ये सच है, चल बोल। हाँ मैंने देखा था, जब हम लोग शराब लेने जा रहे थे कुछ लोग फॉलो कर रहे थे। क्या परेशानी है, तू हमें बता तो सही मेरे भाई। अरे बताना यार। हाँ चल बोल ना। जब मुझे पैसों का टेंशन हुआ तो मैंने बस में एक लड़के का पर्स मार लिया। हाँ क्या तुझे उसने पकड़ा? मैं भाग तो गया फिर मुझे कुछ लोगों ने पकड़कर अरे बाप रे मारा। कौन थे वो लोग? हाँ देखूंगा तो पहचान लूंगा। चल चल के उन्हें सबक सिखाते हैं। गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे कमीने काम करते हैं। तू छी भाई, तूने वहाँ ये सब क्यों नहीं बताया? मैं अकेला ही उनको वहाँ जमकर पीट देता। छी अब मुझे बड़ा दुख हो रहा है यार, इस टाइम और मिलेगी क्या? भाई 10 बज गए हैं, अब किसी मिलिट्री वाले से ही लेनी पड़ेगी। चलो देखते, तू उन्हें पहचान लेगा ना? कहाँ? बाइक की चाबी दे और तू मेरे साथ आ, ला चाबी दे। नहीं नहीं। हाँ हाँ ले लेना। अरे मैं तेरे साथ हूँ ना, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मैंने कहा ना। हाँ हाँ पानी का बोतल लेते आना। लेना? ऐसे ले जाऊँ क्या? तो क्या नारियल पानी दूँ? सभी ले लूँ? हाँ ले ले यार, कमाल। अच्छा भाई तुम्हारे पास कोई दवाई रखी है? नारियल पानी है मेरे पास, चलेगा? छोड़ ना यार। देखना वही आदमी है जिसने मुझे मारा था। हाँ? किसने? इसने? हाँ यही है। ये हमारे गांव को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तुम इसे जानते हो क्या? ये अपने परिवार और गांव के लिए एक मुसीबत है। जरा उतरना, उतरना, चला जा। मैंने कहा ना। चल इसके मुंह पे एक लात मार। ये तो पोस्टर है। आज पोस्टर में मारेगा तभी तो कल छाती पे मारेगा ना। तू मार, चल मार जल्दी।
अरे चिंता मत कर, मैंने कहा मारना, अरे मारना। चिंता मत करो, मैंने कहा मार, जोर से मार। क्या पी के आया है, पता नहीं घर कब आया, ये भी समझ में नहीं आता। उठो अभी बेटा, उठो बेटा। किसने रख दिया ये? सुबह सुबह चोट लग गई। इसे भी अभी खत्म होना था। जाके ब्रश करो, तू जल्दी चल जाके ब्रश कर। रुक रुक यहीं पर, ब्रश लेकर जा। सुबह सुबह मूड खराब हो गया मेरा अभी। हाँ पकड़ इसे, चल ब्रश कर। कैसे लाई होगी, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई? इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। देखो मत, हाँ? चाय नहीं है,
मैंने तुमसे 100 बार कहा कि 2 दिन में गैस खत्म होने वाली है, तुमने मेरी सुनी ही नहीं। नहाने के बाद भी ठंडी नहीं हो रही है क्या? कुछ नहीं। आज जब नाश्ता और खाना नहीं मिलेगा तो खुद ही पता चल जाएगा, रहो ऐसे ही। बस हो गया, चलो अब क्या करूंगा मैं। बहुत गुस्से में है भाई। तू टीवी देख रहा है अभी? देख बेटा देख। डोसा बहुत गर्म है बेटा, अभी हाँ। बाहर आना ना, 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 ना। अभी, अरे अभी आ रहा हूँ पापा। नाश्ता रेडी है बेटा, खा ले। स्कूल नहीं जाना तो बैठना। मम्मी कहाँ है? अच्छा मैं प्लेट लाता हूँ। कीर्ति, कीर्ति, कीर्तु, नाश्ता रेडी है, आकर जल्दी कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। सुन रही हो कि नहीं? कहाँ चली गई? अरे आती हो तो आ जाओ, बैठो बैठो बैठ जाओ। ये लो खाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लो ठंडा पानी, जल्दी खा लो, बस छूट जाएगी। चाय लो बेटा। नहीं चाहिए। अरे ले लो, कोई बात नहीं। तुम्हें चाय चाहिए? ठीक है कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। मसाला कैसा है बेटा? मस्त है पापा। मैं तेरे लिए 2 और लेकर आया हूँ, स्कूल में लेकर जाना। कुडुमश्री से 10,000 उधार लिए थे, 3 महीने हो गए। 3 महीने? 3 महीने तो पहले ही हो गए थे ना। अगले हफ्ते मीटिंग है, कोई कुछ बोले मुझे अच्छा नहीं लगता। उनसे कहना हम देंगे। खा लो बेटे। उधार लेते समय बहुत खुश होते हो, लौटाते समय नहीं? उधार लेना और बात है, चुकाना और बात होती है। कहाँ जा रहे हो? मैं बात कर रही हूँ ना। नहाने जा रहा हूँ। तो फिर ये सब कौन निपटाएगा? अपने आप को बाथरूम में बंद कर लोगे तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुम सुन रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? अरे क्यों बेकार में बात कर रही हो तुम? मैं पिछले 10-12 साल से बार में सप्लायर का काम करता था, अब सरकार ने बार बंद करवा दिया तो नौकरी चली गई मेरी। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे कोई और काम भी तो नहीं आता। सरकार ने बार ही तो बंद की है, बियर की दुकानें तो खुली हैं, वहाँ क्यों नहीं काम कर लेते? अरे वहाँ टिप वगैरह नहीं मिलती। वो राधा कृष्णन तुमसे मिलने आया था, मैंने सोचा तुम्हारी नौकरी के लिए आया होगा। मुझे नहीं पता कोई ऐसी जॉब है जहाँ तुम्हें ज्यादा टिप मिले। राधा कृष्णन सिक्योरिटी का काम दे रहा था, तुम्हें तो समझ में नहीं आता। बड़े बड़े लोग मेरे सामने शराफत से पेश आते हैं, समझे? वही मुझे सिक्योरिटी की ड्रेस में देखेंगे तो क्या होगा? मैं ये काम नहीं कर सकता। अरे मेरी भी तो अपनी कोई इज्जत है कि नहीं, समझती नहीं हो तुम? यहाँ बच्चा बैठा है, नहीं तो मैं तुम्हें बताती। तुम ये बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो? तुम क्या कहीं कोई छोटी मोटी जॉब नहीं कर सकते? बड़ी बड़ी बातें करने से ही बड़े बड़े काम होते हैं। हाँ तो तुम्हें ये पता है? अच्छा तो अब तुम खुद ही समझ जाओ, जब बुरे दिन आएंगे ना, जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा तब समझ में आएगा। जब हम बहुत पहले भागे थे तो हमारे लिए हम ही थे ना, अब हम इससे भी निपट लेंगे। वो पहले की बात है, ये घर मेरे पैसे कमाने की वजह से चल रहा है। एक दिन भी उस टेक्सटाइल की दुकान में जाना बंद कर दूं तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तुम तो बस ऐसे ही बैठे रहो, ना नौकरी करना ना कुछ करना, बस बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते रहना। बड़ी बड़ी बातें करने से घर चलता है क्या? तुम्हारे साथ जिंदगी बिताकर परेशान हूँ। सुनो, तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अच्छा सुनो, अगले संडे तक अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए ना तो देख लेना इस घर में क्या होगा। हाँ
सुनो, मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता सूझ रहा है अभी। हाँ क्या? हमने जो जेवर गिरवी रखे हैं उसे बेच देते हैं। जो भी करना है कर लो। अगर तुम आओगे तो तुम्हें 41 दिन तक कम खाना पड़ेगा। 41 दिन? हाँ, हम ऊटी नहीं सबरीमले जा रहे हैं और तुम्हारे पापा 41 दिनों का व्रत रखने वाले हैं। पापा आप? ये पूछ रहा है आप, इसको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। देखा चलो। तो, मम्मी पापा व्रत रखेंगे? मुझे नहीं पता, इसका मतलब झूठ है। पापा व्रत रख रहे हैं? इसको मुझ पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। आजकल के बच्चे बाप से ज्यादा गूगल पर भरोसा करते हैं। टाइम आ गया है मेरा। पापा। नहीं 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 नहीं, ये मेरा नहीं है। चल, मुझे मुसीबत में डालने की तैयारी कर रहा है ये तो। चल चल जल्दी चल बेटा, इस स्टाइल में चल। हीरो की खोज किसने की थी तुमको पता है? हाँ। किसने? आर्यभट्ट। चलो फोन रिचार्ज करवाता हूँ। भाई हाँ, जरा 20 रुपए का रिचार्ज डाल देना। बीस का ही करना है, लो। यहाँ क्या समस्या है भाई? तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? हाँ? कल रात को कुछ लड़कों ने यहाँ आकर इनका झंडा गिरा दिया। ये पार्टी कह रही है दूसरी पार्टी ने गिराया है। बाकी सब तो अब भगवान ही जाने। अच्छा आप जा कहाँ रहे हो? टाउन जा रहा हूँ। तो जल्दी जाओ, मैं दुकान बंद करने वाला हूँ। क्या बात है? जल्दी चलो, बताता हूँ। दो पार्टी वालों का झगड़ा है, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। देखो बस आ गई, आ जाओ। पापा वहाँ क्या हो रहा है? बेटा वो झंडे का झगड़ा है। झंडा नहीं, क्रांति, इनकलाब। तो ब्याज और सब मिलाकर 36,000 हो गया है। मैं पूरा अमाउंट लूं या सिर्फ ब्याज लूं? अब ऐसा कुछ नहीं करना तो है। फिर मुझे बेचना है। लोग बाहर से खरीदते हम भी ऐसा ही करते तो आप क्या चाहते हैं? तो मुझे कितना मिलेगा? अगर हम खरीदते हैं तो आज के रेट के हिसाब से 8,000। बस 8,000 ही? हाँ। मैंने तो सोचा था कुछ ज्यादा मिलेगा। इतना ही है? कम से कम
10,000 रुपए मिल जाते तो कुछ काम हो जाता मेरा। देखो भाई, आज का रेट बहुत बुरा चल रहा है और ब्याज भी तो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है ना। अगर तुमने चुकाया होता तो मैं कर सकता था। अगर इसके अलावा तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ और है तो कोशिश कर सकते। गिरवी रखने के लिए मेरी इज्जत बची है, क्या उसे रख दूं? सॉरी, ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये रख लूं? हाँ, बस यही एक रास्ता बचा है मेरे पास। गिन लो, यहाँ साइन करो। यहाँ भी साइन करो एक बार। और कहीं नहीं? बुक? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। क्या हुआ, कुछ भूल गए? भूला नहीं, याद आ गया। 2,000 की और जरूरत है, क्या करूं। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? ए भाई, आपका पर्स गिर गया। ये तो उस बाइक वाले का पर्स है, तुम इसे क्यों रख रहे हो? चल बांट लेते हैं। हाँ, तमाशा मत कर, चल बांट लेते हैं। शेयर? मैं बाद में बात करता हूँ, चलो उस तरफ। कहाँ? उस तरफ चलते हैं। आ जाओ। निकालो, मेरा हिस्सा दे दो। लो, शेयर के लिए चेंज ही नहीं, मैं चेंज लेके आता हूँ। हाँ ए रुको, मेरे पास चेंज है, मैं देता हूँ ना यार। उसमें पैसे थे क्या? हाँ। कितने? 15,000 रुपए थे और साथ में कुछ चेंज भी थे, मैंने गिने नहीं थे। कहाँ हुआ ये सब? नई चर्च के पीछे सर। जब मैं सोना बेचकर आ रहा था, दोनों बाइक से आए और मेरे पैसे लूटकर भाग गए। दरअसल मेरे पास अब घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। बाइक का नंबर देखा? नहीं। उनको पहचान सकते हो ना? हाँ। कैसे दिखते हैं? भद्दे दिखते हैं दोनों, दाढ़ी वाले मोटे। उन्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पर्स में इतने पैसे हैं? अब मैं क्या बताऊं सर। नाम? दयानंद। उम्र? 39 साल। काम? बाहर में सप्लायर था साहब। तो अब कुछ काम नहीं करते? बाप का नाम बताओ। वासुदेव। घर का नाम? पन्यारत हाउस। जगह? पुन्नमा पारुम्ब, मलाका। मलाका? उसी कारण सभी लोगों ने हड़ताल करने का फैसला लिया है। हड़ताल 2 दिन चलेगी, ओवर। यहाँ के हालात काफी खराब है। यहाँ साइन करो और फोन नंबर लिख दो। हाँ, अगर हमें कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ। सभी लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। सर हाँ? सर अगर 100 रुपए दे देते तो मेरी मदद हो जाती। क्या 100 रुपए? मेरे दोस्त ने कहा है कि वो मुझे पैसे देने वाला है, घर जाने के लिए गाड़ी का किराया। जब पर्स मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। प्लीज मदद कीजिए सर, अगर आपके पास हो तो। सर तुम इधर आओ। क्या हुआ सर? 100 रुपए निकाल, इसको दे दे। ये लो। थैंक यू। ठीक है सर, मैं जाऊं? तू वहां बैठ, जब एसआई सर आएंगे तब जाना, बड़ी जल्दी है इसको। सर मैं जाऊं क्या? ठीक है, मैं ये लौटा दूंगा सर। कितने आदमी हैं यहाँ? 4 आदमी सर। 4 के 4 यहीं पर हो? हाँ सर। अरे
भी है। लेने दे। अरे लेने दे। अरे क्या कर रहा है ये? अगर बंद कर ले, बंद कर ले। आपको याद दिला रहे हैं हम जैसे देशभक्त कुछ गड़बड़ है। आज चलो ना, चलो ना। इस राजनीतिक लड़ाई में हुआ हमारे शहर का बहादुर बेटा बीच बचाव करते हुए अंबुजा दुश्मनों के द्वारा मारा गया। आज 12 बजे से अगले 24 घंटे तक हड़ताल घोषित की गई है। कृपया सभी इसका समर्थन करें और हमारा साथ दें। इंडिया अमर रहे, हमारी शक्ति अमर रहे, हमारी ताकत एकजुट हो। हम हमेशा मिलकर चले, साथ चले, एक दूसरे का सहयोग करें। ये लो 4,000। अब मैंने तो 10,000 की उम्मीद की थी। मेरे भाई मेरी हालत सच में टाइट है। जब तूने फोन किया तो मैंने सोचा कि अमाउंट कम होगा। अब तू बता रहा है कि 20,000 चोरी हो गए। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं यार? नहीं मैं सब लौटा दूंगा। तू लौटा देगा मगर अभी पैसे नहीं है मेरे पास, इतने ही है यार। रख ले अभी, बाद में देखता हूँ, ठीक है? भाई मेरी बात तो सुन। अरे मैं फोन करता हूँ, चल। में दो राजनीतिक दलों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें आरबीवी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। घटना के दौरान बीच बचाव करते हुए अम्माई जंक्शन में जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई उसका नाम अंबुजा है, इसलिए उस पार्टी के लोगों ने हड़ताल घोषित कर दी है। आज और कल हड़ताल है, अगर हमें कुछ सामान खरीदना पड़ा तो तू एक काम कर, जरा शिवम को फोन करना यार, फिर उससे हम लोग कुछ मंगवा लेते हैं, अपना काम भी बन जाएगा। कारण ये था कि किसी ने कल रात अम्माई जंक्शन में आरडीपी पार्टी के झंडे को गिरा दिया था। और आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बिनोई से हम जुड़ रहे हैं। बताइए बिनोई। राखी मैं अम्माई जंक्शन में खड़ा हूँ जहाँ ये घटना हुई थी। यहाँ सब कुछ अब लगभग शांत है। ये टूटा हुआ झंडा ही इस घटना का मुख्य कारण है। हत्यारे का पीछा करते हुए आरबीवी पार्टी वालों ने आरडीपी पार्टी के ऑफिस को तोड़ डाला। 6 महीने में हुई ये दूसरी राजनीतिक हत्या है जिसकी वजह से हर तरफ उथल पुथल मची हुई है। हम आपसे मिलते हैं बिनोई। अम्माई के कुछ लोगों से बात करने से पुलिस को उस झंडे को गिराने वाले के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है। अब पुलिस इस घटना की पूरी छानबीन कर रही है। इस घटना में कितनी सच्चाई है इस बात को जानने के लिए अब हमारे साथ आरडीपी के स्टेट सेक्रेटरी पीबी शिवराजन हमसे बातचीत करेंगे। अरे क्या हम कमजोर है क्या? केरल में हर हत्या का आरोप हम पर लगा रहे हैं। हाँ, क्या भाई? बोलो ना, तुमने नहीं सुनी क्या? आज और कल हड़ताल है, तुम कुछ लेकर आए हो क्या? अरे टेंशन मत लो, मैं लाया हूँ ना पूरा माल। अभी हमारे साथ जुड़े थे आरडीपी के स्टेट सेक्रेटरी पीबी शिवराज। उन्होंने जनता के सामने अपनी पूरी बात रखी। सर आप इस घटना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो अगर हम पर इस स्टेट में हमला हुआ है तो हम पड़ोसी स्टेट को जवाब देंगे। हत्या के बदले हत्या, हमले के बदले हमला। अम्बुजा आरडीपी के 20 कार्यकर्ता द्वारा मारा गया। डीजीपी कमलेश बोहरा ने घटना के बारे में कहा कि पुलिस आरोप की तलाश कर रही है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जिम्मेदारी है, अगर आगे कुछ हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। अब घटना के बारे में बात करने के लिए हमसे फोन पे जुड़ रहे हैं आईएनएसपी के प्रमुख सीजो कोटाथल्ला। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूँ, यह प्रतिशोध को रोकने का वक्त है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमें ऐसे भूलकर इसे रोकना होगा। बात करने के लिए धन्यवाद सीजो कोटाथल्ला सर। तुझे पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मुख्य आरोपी तू ही है, समझा? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने कहा था मुझसे लात मारने के लिए, तूने ही मुझे उकसाया और आरोपी भी तू ही है। बहुत होशियार बनता है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया ना तो तेरी 5 लाख वाली कहानी सुना दूंगा मैं। हाँ तू सीरियसली बोल रहा है? हाँ मैं सीरियस हूँ। अरे शिवा हड़ताल शुरू हो गई, चल आजा पीते हैं। आ जल्दी आ रहा हूँ। मेरे ग्लास में थोड़ी और डाल यहाँ। मैं घर में परेशान करने वाला नहीं हूँ। आप इतना क्यों परेशान है भाई? आज आपने चेयर्स भी नहीं किया। वो इस टाइप का है, जब पीता है तभी नॉर्मल रहता है। क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा भी होता है क्या? जरा माचिस दो। चीयर्स, 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 चीयर्स। तू नहीं पी रहा है क्या? हाँ? नहीं। अरे पी ले, एक पैक तो पी ले।
चल एक बना। हाँ बना एक बना, एकदम कड़क है भाई। पानी की चलता है यार, हड़ताल है ना। हाँ मैं भी गया था। हेलो, बहुत अच्छा। कहाँ हो तुम? हाँ कब आओगे? हो गया, जाओ एक बार। पैसे मिले तुम्हें? हेलो। हाँ कीर्ति, पैसे मिल गए, मजा आ जाएगा। अभी तुम कहाँ हो? सच में कह रहा हूँ। मैं निकलूँगी तो फोन करती। हाँ एक बार। तुम्हें पता है यहाँ पे कुछ बड़ा झगड़ा हो गया है, हड़ताल है, दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी। मेरी बात मानो। हेलो, त्रिशूर में हड़ताल है? अच्छा सुनो, मैं एक दोस्त से मिलने आया हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए, मैं मिलकर आता हूँ। पैसे मत खर्च करना, पीने मत चले जाना। हाँ सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। और जब आओगे तो कुछ खाने के लिए लेकर आना। हाँ हाँ लेकर आऊंगा। ठीक है। त्रिशूर में हड़ताल की वजह से चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। हम बाकी के जानकारी के साथ ब्रेक के बाद मिलते हैं। अरे ये पर्स वगैरह मारने में ज्यादा फायदा नहीं है भाई, इसमें बस 8,000 रुपए हैं। लोग पहले की तरह जेब में पर्स नहीं रखते, सब कुछ डिजिटल हो गया। हाँ डिजिटल। हाँ यार, किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत। गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक है आसरिया ज्वेलरी, आसरिया। हमें ज्यादा पैसों के लिए कुछ और करना पड़ेगा भाई। मैं तो कहता हूँ कि हम सबको एक बड़ा हाथ मारना चाहिए, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, और हमें जो भी मिलेगा लेकर टाउन से भाग जाएंगे। सही कहा, जो हालात चल रहे हैं भागना तो पड़ेगा ही, क्यों? हाँ हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, यही सही वक्त है। आज हड़ताल है, रोड पर कोई भी नहीं होगा, पुलिस नेताओं के पीछे लगी होगी, ये एकदम अच्छा चांस है। अच्छा बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे ज्यादा माल कहाँ पर होगा? एक जगह है, बंदोबस्त भी है। ये कौन सी जगह है? कमीने? ए, तो जितना आसान समझ रहा है उतना है नहीं, बहुत रिस्क है, सिक्योरिटी गार्ड होंगे। क्या सिक्योरिटी गार्ड, मैं वहाँ 100 बार जा चुका हूँ, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वहाँ, बस सीसीटीवी कैमरा है। तो फिर? अरे फिर क्या यार, इसको हम यूट्यूब से सीख सकते हैं। हाँ सही कहा, चल देखते हैं। अरे लॉकर को खोलने के टूल्स वगैरह चाहिए होगा ना भाई? एक जगह है जो मैं जानता हूँ, अगर वहाँ जाएंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर एक टूल्स भी है। क्या? अच्छा। अरे भाई जब हमें वहाँ आसानी से मिल रहे तो इसकी क्या जरूरत है? अरे अगर फिर भी कोई आ गया तो उसका सर फोड़ने के लिए जो करना करो। प्लान तो अच्छा है, बुरा नहीं है, पर अंदर जाएगा कौन? अरे तुम्हारे और गिलबर्ट जैसे एक्सपर्ट है ना यहाँ, तुम दोनों अंदर घुस जाना और हम दोनों बाहर नजर रखेंगे। तुझे डर लग रहा है क्या? ये ठीक नहीं रहेगा, मैं भी अंदर जाऊंगा, ये मेरी बहुत पुरानी इच्छा है, मुझे मत छोड़ना प्लीज, मुझे भी रॉबरी का बहुत शौक है। अरे विल्सन भाई, ये तुम्हारे नारियल तोड़ने जैसा नहीं है। भाई गार्ड की तरह खड़े रहना, अंदर घुसने वालों से ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है, तेरा काम और ज्यादा रिस्की है, तेरा काम दिमाग लगाने वाला है। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ। हम दोनों को बाहर गार्ड की तरह खड़े होना है। सही सही है, सही है, ये ज्यादा सेफ है। जब सारा काम हो जाएगा तब मैं भागूंगा और क्या। अरे क्या बकवास कर रहा है भाई। अरे ऐसा नहीं है, मम्मी का फोन आया था और बहन की शादी के लिए 2 तोले सोने की चेन चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कहा, और कुछ भी नहीं है यार। इस रॉबरी में कोई किसी को धोखा देने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए हम सब साथ रहेंगे। आ, 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 है ना भाई? एकदम। तो फिर ओके करें? डन कर। तो फिर टूल्स लाने कब जाओगे? अरे उस दुकान में जाकर कभी भी ले सकते हैं। तो फिर मैं लोहे का रॉड लेके जाऊंगा। ठीक है।
गया। अरे ठीक से पकड़ना, हो गया हो गया। हाँ हाँ ठीक है। नहीं हटना। अरे जल्दी कर, मैं इसे तुम्हारे भाई क्या कर रहा है अभी? अरे तू खोलना, मैं उधर देखता हूँ। ठीक से। हाँ हाँ चल चल। बस से आने के बाद भी इतना पैदल चलना पड़ता है, बहुत दूर है। लगता है कोई आ रहा है। भाई मुझे आगे तक छोड़ दोगे? अरे जा जा जा, नहीं चाहिए तेरी मदद, किसी की मदद मत करो, तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। मरने वाले लोगों की फोटो खींचने वाले लोग, ऐसा कल्चर हो गया यहाँ का, देश की तरक्की कैसे होगी समझ में नहीं आता। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, खामखा लोग हड़ताल झेल रहे हैं, सब बेकार है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो थोड़ा पी लेता हूँ। ये इतना क्यों भौंक रहा है? जल्दी करो यार, आराम से रहिए। अभी तक सोई नहीं है, बात करनी पड़ेगी। हाँ हेलो, बताओ। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? पुलिस ने पकड़ लिया क्या तुम्हें? दारू पी रहे थे क्या कहीं बैठकर? हड़ताल की वजह से सारी दुकानें बंद है, क्या करूं? अरे तो तुम घर क्यों नहीं आते हो, कहाँ हो? ठीक है, तुम एक काम करो, देखो किचन में थोड़ा चावल और गुड़ है, कम से कम पेट में कुछ चला तो जाएगा। हाँ वो सब मुझे पता है, लेकिन तुम घर कब आओगे ये बताओ मुझे। पैसा मिल गया तो गायब हो गए, जब तक पूरा पैसा पीकर खत्म नहीं कर दोगे तब तक घर नहीं आओगे। छी, तुम खाना खाओ और सो जाओ, मैं पहुंचकर फोन करता हूँ। मैं भी परेशान हो गया हूँ इससे, मैं जो कहता हूँ वो मगरमच्छ की आंसू बहाना शुरू कर देती है, छोटी सोच वाली। तुम्हारे लिए ये गाना, ये लो सुनो। काव्य भावने ध्यान रखना। अरे अरे अंदर आ जाओ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आ रहा। अरे बाहरी रहो ना, जाओ यहाँ से ना। चुप। अरे चलो सारा सामान अंदर। ठीक है ठीक, आराम से आराम से। हाँ 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 ठीक है पकड़। छूना मत, कोई मेरी मदद करो। किधर जाओ? अभिनंदन स्वामी, अभिनंदन। ला ला ला। शिवा भाई तुम्हें अंदर जाना चाहिए था ना। पता नहीं क्या कर रहे। कोई बात नहीं। आपका अभिनंदन अभिनंदन स्वामी अभिनंदन। अब अंदर कैसे जाओगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू वहां जाके देख के आना। कौन? मैं। जा 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 जाना जा, 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 यार मैं कैसे करूंगा? जाना यार, क्या कर रहा है? जा अरे आने दो, सब गड़बड़ हो जा। लेकिन शिवा भाई। अरे जाना जा, डर मत जा। सुनो भाई,
सिगरेट है क्या? है? सिगरेट। नहीं है। नहीं है? मैं कोई दुकान चला रहा हूँ क्या? तो इतनी रात को क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। बस ऐसे ही, थोड़ा मजा लेने के लिए। क्यों? कुछ नहीं। ये जगह काफी सुनसान है, यहाँ कभी भी चोर पॉकेट मार आ सकते हैं। आपको घर जाना चाहिए। जिसके पास पैसे ही नहीं हो उसे डरने की क्या जरूरत है, हैं? तुम जाओ अपना काम करो। जल्दी घर जाओ, नहीं तो खामोखा मारे जाओगे। अच्छा ऐसी बात है, मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मैं चल चल कर अपने घर चला जाऊंगा। तुम जाओ अपना काम करो। मैं जो कह रहा हूँ तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ? मैं जो कह रहा हूँ तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुझे क्या परेशानी है? हाँ? मैं चाहे ऐसे बैठूं या आराम करूं, तुझे क्या है? तू कौन होता है पूछने वाला, ब्लडी फूल? अंधेरी रात में कालिदास ने शेक्सपियर हो। ए, ये तुझे जाने को कह रहा है ना? चलो चलो अब हम लोग काम पे लग जाते हैं। अभी भी यहीं बैठा है। अरे बोल नहीं रहा, तेरी समझ में नहीं आता, तेरी प्रॉब्लम क्या है? चुप रह, कह रहा हूँ ना, सीसीटीवी कैमरा लगा है। सॉरी सॉरी सॉरी, जा नहीं रहा है कमीना। हे, हो गया। पता नहीं वो गया कि नहीं। तेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुझे क्या परेशानी है? हाँ? मैं चाहे ऐसे बैठूं या आराम करूं, तुझे क्या है? चुप रहो चुप रहो, जो करते हैं जिसके लिए आए। अंधेरी रात कालिदास ने। अरे ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं, मुझे क्या पता। ए छूना मत, दूर हट। ए इसने तुझे जाने को बोला ना? अरे शिवन भाई कुछ बोल रहे हैं, आप सब ठीक हो जाएंगे, पीछे चल पीछे चल। पकड़ा तो हूँ, बंद कर। गाना गा रहा था बहुत। बंद बंद Yeah.
इसने तो हम सबको देख लिया, अब हम क्या करें? यह हमें मुसीबत में डाल देगा। क्या मैं इसे रॉड से मार दूं? इसके सर पे मारूं क्या? इसे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, टाइम नहीं है अपने पास, अपना काम खत्म करके निकलते हैं। ये तो टूल्स निकालना। चुप रह नहीं तो लात मारूंगा तुझे। क्या कर रहा है? सॉरी 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 सॉरी। क्या कर रहा है? अरे क्या? अरे सॉरी 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 जीसस। अरे सॉरी जीसस। अरे बाप रे, ये तो सच में जीसस है। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। अरे ये भी काम नहीं कर रहा, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? तुम पागल हो गए, ये सब क्यों कर रहे? अरे हमें लाइट नहीं चाहिए क्या? हम लोग चोरी करने आए, तेरे पास दिमाग नहीं क्या? अरे दिमाग लेके क्या करेंगे, मैं तो तुझे ही देख पा रहा हूँ और किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं, इसलिए लाइट ऑन कर रहा था। ठीक है तू कर कर कर। हाँ तू जा। शिवन भाई वो रॉड लेकर आना। लोहे की रॉड किसी भी काम के नहीं है, अब जरा देख इस रॉड के बिना हम सबका काम अटक जाता, समझ गया तू? मुझे सिखाने आया है रॉबरी करना। क्या रे, निकलते हैं शिवन भाई, चलो। तू मेरे साथ चल, साथ में रॉड भी लाना। फोन कर, फोन कर, फोन कट कर, फोन कट कर, कट कर। फोन कहाँ है? अरे हाँ कट ना, हाँ कट 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 कट। स्विच ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर। चुप हो जा वरना मार दूँगा। स्विच ऑफ कर तुझे तो मैं। चुप चुप, तू इसे देख, मैं आता हूँ, ठीक है? अरे चुप हो जा, अरे बोला ना चुप होने के लिए, मार दूंगा नहीं तो मैं तुझे, मुंह बंद रख। अरे तुम तो चिल्ला रहे हो, चुप चुप हो जाओ। जो चुप करेगा नहीं तो इस रॉड से तुझे सर फोड़ दूंगा। अरे चुप कर, अरे चुप चुप, अरे चुप करना। ये कहना चाह रहा है कि हमारा मुंह जमीन पर रगड़ेगा। तो क्या कहा? मेरा मुंह जमीन पर रगड़ेगा तेरी तो मैं। क्या कह रहे बे? ए, समझ जाओ। ये क्या? ए, कैसा है भाई? हाँ, मैं इसे अभी तोड़ता हूँ। अरे रुक जा, रुक जा ना। We'll be right back.
किट दे मुझे। हाँ ये लो। इसमें मेरा भी शेयर होगा। मुझे शेयर चाहिए, क्या बोलते हो तुम लोग? क्या कहते हो? ठीक है। तो तू हमारे टाइप का है, मुझे पता ही नहीं था। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे भाई क्या कर दूंगा, ये तो मजाक कर रहा था मैं। अरे नहीं नहीं तुझे नहीं, बिल्कुल मैं अपना नाम बता दे रहा। अरे वाह दयानंद। दयानंद भाई आज से अपना खास दोस्त है ये। दयानंद भाई डोंट वरी, उठ जाओ। सारा माल तो इधर ही है रे। अरे तू जरा अपना हाथ दे। अरे मेरा कहाँ भाग रहा है? अरे देना। अरे तू मेरा दोस्त है, कहीं नहीं दे रहा है। अरे मेरी बात सुन, हाथ दे ऊपर देना। ए, 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 क्या कर मैंने पहना दिया अंगूठी। अरे शिवम भाई मैं तो बस उसे खुश कर रहा था। वो तेरा क्या लगता है जो तूने उसे रिंग पहनाई? तेरा भाई है क्या? अरे भाई हमने धमाल कर दिया, धमाल। जो भी हो बात मत कर। ए, अब तो हम दोनों ही अमीर बन जाएंगे, क्या बोलता है? सही ना? छोड़ इसको, वापस रखी। ए, उसे दे। ए, भाई जो बोल रहा है एकदम सही बोलता है। हम वो शटर खोलकर नहीं जा सकते, हमें कोई देख लेगा। हमें किसी और रास्ते से जाना होगा। और बिना किसी को देखे हम लोग चले जाएंगे। तुम लोग किस टाइप के चोर हो भाई? कोई भी शटर खोलकर चोरी करता है क्या? तुमको दीवार में छेद करके चोरी करनी चाहिए। न्यूज़पेपर में कभी पढ़ते नहीं क्या कि कैसे चोरी होती है? भाई क्या फर्क पड़ता है? काम मैं देखता हूँ। भाई वहां मत जाओ, सब बिगड़ जाएगा। कुत्ते हैं, कुत्ते कुत्ते बच गए। मैं तो सच में डर गया। देख लिया ना तुमने, हम लोग शटर खोलकर बाहर नहीं जा सकते। कोई दूसरा तरीका ढूंढो, नहीं तो सारे फंस जाएंगे। ए, ज्यादा मत बोल, हम जो चाहते हैं वो करेंगे। तू हमारे बीच में जबरदस्ती घुसाया। तुम लोगों ने मुझे घसीटा है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? हरकतों की वजह से। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे सुनो क्या, हमें बाहर जाने की तरकीब ढूंढनी होगी। क्या तरकीब है? शटर उठाएंगे और जाएंगे। अरे कोई देख लेगा। लेकिन ये कैसे? अरे मूर्खों, भगवान ने हमें दो पैर दिए हैं, चलने के लिए नहीं दौड़ने के लिए भी। भाई ये ठीक नहीं है, कोई दूसरी तरकीब बताओ। भाई तुमसे नहीं, भैया जी। क्या है? बाहर जाने का कोई दूसरा तरीका है क्या? मैं देखता हूँ, ठीक है? आओ। आ जाओ भाई, भाई आओ ना, भी आओ ना। इसका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे क्यों पीछे पड़ गए? अरे बाप रे, इसको कभी साफ नहीं करते लगता है, कितनी बदबू आ रही है। ए, बाप रे, रुको। अरे ये बदबू मार रहा है। ये देखो यहाँ तोड़ते हैं,
इसमें एक बड़ा सा होल करके हम लोग बाहर निकल सकते हैं। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है, मेरा साइज तुमसे बहुत अलग है। ए इसके साइज का होल बनाना। होल करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो बाहर खड़े। हाँ, सही कहा। ओ तो ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग थोड़ी देर रुक जाते हैं, हम वेट करेंगे, जब कोई ट्रेन गुजरेगी तब हम काम करेंगे। टूल्स लेकर आओ। ओके। बता नहीं सकते थे क्या? शिवन भाई हमको एक स्पॉट मिला है। तो मैं क्या करूँ, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम लोग काम करते हैं, यहीं रुक के इसके शेयर कर लेते हैं, अगर कहीं वो आदमी आ गया तो नाक में दम कर देगा। एक पेन और पेपर लेके आ जल्दी। ले आ। चलो। क्या हुआ? छोड़ो, सुन हा? मैं शिवा से चेक करने को कहकर आता हूँ, ठीक है? अरे शिवा, अरे धीरे बोलो ना भाई, अगर तुम्हें सोने की चेन मिलेगी तो उसको अलग से रख देना, मैं अपनी बहन को गिफ्ट दूंगा यार। ए ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। चलो चलो चलो। अबे तू कहाँ जा रहा है? अरे भाई संभाल लेंगे, तू यहीं रह। ए इतना बड़ा हॉल बनाओ, चलो शुरू हो जाए। चलो चलो। ध्यान रखना, ईंट बाहर नहीं गिरनी चाहिए। रुको 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 रुको। अरे छेनी में कपड़ा बांधो, बहुत आवाज आ रही है। अरे तुम क्यों रुक गए भाई? तोड़ू नहीं क्या? ओ ट्रेन के जाने से पहले जल्दी तोड़ ना भाई, फटाफट तोड़ो। रुको 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 रुको, ट्रेन चली गई, अगली ट्रेन आएगी तब शुरू करना। ये तीसरा शेयर, इसको तीसरे शेयर में डाल। अरे वहां देख, ये क्या कर रहे हो? ये क्या है? मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ कि बाद में तोड़ने में आसानी होगी। कर लेगा कर लेगा। हाँ कर लेगा। कर कर। अरे इसको इसमें रखना, समझता नहीं है। अरे कहाँ रहा था, कहाँ डाल रहा है तू? हाँ धीरे बोलो धीरे। तुम्हारी ईमानदारी देख के मुझे लग रहा है तुम इस दुकान के मालिक हो। सुनो, ये सारा सोना अपने शहर में मत बेचना, किसी बड़े शहर में ले जाकर बेचना, अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। ए ये सारा सामान उठाकर बाथरूम में ले जाकर रख दो, खाली चोरी ही करनी है या बचकर भी रहना है? भाई तुम तो बहुत कमाल के हो, अपना फोन नंबर दोगे क्या? बाद में नंबर देता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? ये फोन नंबर, ये सब फोटो क्या है? अरे तुम लोग यहाँ पर बैठकर सिगरेट पी रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे? शराब भी है क्या? अरे ट्रेन आ रही है, बेवकूफ सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी तोड़ो जल्दी तोड़ो, जाओ। अरे थोड़ी और ताकत लगाना, दीवार को दर्द नहीं हो रहा है? सॉरी दया भाई। तू जा, टूल किट और गैस कटर भी लेके आना, उनको बोल जल्दी आने को, हमें जल्दी से भागना है यहाँ से, जल्दी बोल, जल्दी बुला उन्हें। शिवा भाई होल हो गया, जल्दी चलो यहाँ से। तू चल, मैं आता हूँ। भाई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो भागते हैं। तू क्या चाहता है, इसे यहीं छोड़ दे? हाँ ओके। अरे जा 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 जा, कूद जा कूद जा। और मेरे शेयर का क्या होगा? अरे भाई जाओ ना, बाहर जाके बात करेंगे ना, पहले बाहर निकलने का ही तो एक रास्ता है, जाओ ना, टेंशन क्यों करते हो, जाओ जाओ। हाँ भाई ये थोड़ा मत लगाओ, इसको यहीं रख।
ये किसी और का है। मैं इसको अलग करता हूँ, मिक्स हो जाएगा। भाई आपने सबका बराबर हिस्सा किया ना, ये बहुत अच्छा किया। मुझे सहारा दो। अरे अरे ऊपर उठाओ ना, अरे थोड़ा नीचे नीचे संभाल के। हाँ चलो ठीक है, मैं बाहर। हाँ भाई डोंट वरी डोंट वरी। भाई लगता है कोई गाड़ी आ रही है। ये पुलिस की नौकरी ना बहुत बेकार है यार। सही कह रहे हो, मैं भी परेशान हो गया हूँ। दिन को बीवी जान खाती है और रात को ये ड्यूटी, मैं तो परेशान हो गया हूँ यार इससे। सभी परेशान है। पुलिस, चलो सारा दिन काम करो और फिर रात को भी काम करो। अब क्या करेंगे, ऊपर से इन सेठों की रखवाली भी करो। अब ड्यूटी है तो करना तो पड़ेगा। सारी रात बैठे रहो गार्ड बनकर इनकी दुकानों के आगे। दुकान के सामने पुलिस है, जा चेक करके आ। कहाँ है? अबे दुकान के सामने, जा चेक करके आना। जा 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 जा। लोगों को मैं देख कर आता हूँ। पुलिस है, चुप रहो। पुलिस वाले। मैं तो इस पुलिस की नौकरी से एकदम परेशान हो गया हूँ, मेरा तो मन ही नहीं करता इसे करने का। अरे तो मेरा भी कहाँ करता है, मैं भी तो परेशान ही हूँ, मगर क्या करोगे, ड्यूटी है करना पड़ेगा। और रुको कुछ व्यवस्था करता हो। अरे थोड़ा मूड बनाते हैं, वैसे भी रात खराब ही हो। तुम्हें तो एकदम सलाह देना ही बेकार है। सरकारी सील, सरकारी जॉब, सरकारी पानी, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है, समझा? तुझे पीना है तो पी, नहीं पीना है तो मत पी। मुझे नहीं पीना है, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तू ड्यूटी के टाइम भी बहुत पीता है। अरे मैं इसीलिए पीता हूँ क्योंकि मैं हमेशा ड्यूटी पे रहता हूँ। जिस पार्टी के आदमी को मारा है ना, वो लोग उनके आदमी को भी ज़रूर मारेंगे। देख जिस पार्टी का बंदा मरा है, देख वो लोग अपोजिशन वालों को अगले इलेक्शन तक ज़रूर मार देंगे। हा? क्या हुआ? बाहर दो पुलिस वाले बैठकर दारू पी रहे हैं। जब मौका मिलेगा तो सावधानी से कूद जाना, अगर कुछ होगा तो मैं सिग्नल दे दूंगा। हे, वहाँ कोई बेवकूफ़ी मत करना, यहीं कहीं छुप जा। अगर उनके सामने गए तो फंस जाएंगे हम लोग। अरे इसकी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सबसे पहले तू ही यहाँ पर पहुँचा हो। अरे वो छोड़, तुझे पता है दो बैग पीता हो ना तो मेरे में कॉन्फिडेंस आता है, हिम्मत आती है, समझा? अरे तू भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा ले। है? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती है क्या? अगर बच्चे तुझे इस हालत में देखेंगे तो तेरा वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर देंगे। ऐसे बोल रहा है जैसे हमारी बहुत इज्जत है। अरे ड्यूटी पे इतना ज्यादा क्यों पी रहा है? अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो तेरी पूरी जिंदगी कोर्ट में गुजरेगी। अबे पुलिस वाला है, नेताओं की तरह भाषण मत दे। हम सब इंसान है ना, पिछले साल इन्हीं दिनों हड़ताल के समय मेरे सामने ही एक बम फटा यहीं पे। अरे वो छोड़, मेरे सामने भी ऐसे नीचे लोग पड़े थे और मैं देख रहा था, लेकिन क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। कौन है वहाँ? कौन है? क्या कर रहा है वहाँ पे? इधर इधर। कुछ नहीं सर। नाम क्या है तेरा? मैं हूँ सर दयानंद। दयानंद है, क्या कर रहा था यहाँ पे? यहाँ पेशाब करने आया था। पेशाब करने? दुकान के पीछे मुते का? रोड पर कैसे करता सर, स्वच्छ भारत अभियान है ना। स्वच्छ भारत का ज्ञान दे रहा है? स्वच्छ भारत, वो स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री का। बच गया भाई। सच बोल रहा है ना वो? तो इस समय यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं क्या कहा? आलुआ से अपने दोस्त के पास से आ रहा हूँ, और आज हड़ताल है ना। मतलब? बस ऑटो रिक्शा कुछ नहीं मिला तो पैदल ही जा रहा था। ये जगह सुनसान है और यहाँ आसपास बहुत चोरियाँ होती है। चोरों ने अगर देख लिया ना तेरी चड्डी भी नहीं छोड़ेंगे, समझा? चल निकल यहाँ से। ठीक है। तेरा घर कहाँ है? मलाका। मलाका? मलाका। हाँ अरे जाने दे जाने दे, चल जा। ठीक है ठीक है। ए, उसने पीते हुए तो देखा नहीं ना? तू ही तो पी रहा था ऐसा। बुला उसे। इधर आ जरा। हाँ इधर आ। क्या है सर? तूने वहाँ मूतना कब शुरू किया था? हमने तुम्हें आते हुए देखा नहीं कभी। जब आप लोग आए तो मैं वहाँ पेशाब करने के लिए गया हुआ था। फिर
इसी दौरान मैंने ज्वेलरी की दुकान से कुछ आवाजें सुनी तो मैं वही सुनने के लिए रुक गया। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो ऊपर से नारियल गिर गया। जब मैं पेशाब कर रहा था तो आपने भी देखा, ऊपर से नारियल गिरा था, फिर आप लोग सामने ही थे। मुझे लगा अंदर चोर हैं। मतलब मुझे पक्का यकीन है अंदर चोर लोग घुसे हैं। तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था सर, पर जब आपने बताया तो मुझे यकीन हो गया कि अंदर चोर होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि आवाज कहां से सुनी? यहां से सर, यहां से। क्या यहीं से सुनी थी आवाज? मैंने यहां से सुनी थी। तूने क्या सच में आवाज सुनी थी? रुकिए सर। नहीं सर, अगर वो लोग ज्यादा हुए तो हम लोग क्या करेंगे? हमें अपने बचाव के लिए कुछ तो चाहिए ना सर, गन या कुछ। गन? हिम्मत के लिए पता नहीं उन लोगों के पास क्या क्या हथियार होंगे। मुर्गन, इधर आ। तू रुक यहाँ। देख, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? देख, हम सिर्फ दो हैं और वो चार पांच लोग हैं। अगर कुछ लफड़ा हो गया तो पता है ना पिछली बार क्या हुआ था। हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। SI को फोन करता हूँ। अरे अरे, कॉल मत कर। अगर वो आ गया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ये ले तेरा शेयर, और ये है हिसाब। 4 ग्राम कम है क्योंकि पहले तुझे ये अंगूठी मिल गई, समझ गया ना? ऐसे कैसे जा सकते हो? तू कॉल कर रहा है? हाँ, अगर मैं कॉल नहीं करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। सच में? हाँ। अरे यार, मुंह से स्मेल आएगी ना तो मैं फंस जाऊँगा। ओ शिट, दोबारा लगा के देखता हूँ। इसके फोन लग नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। इसके चक्कर में मेरी नौकरी ना चली जाए। दिखा जरा। हेलो। हेलो सर। हाँ सर, मैं मोहन। हाँ, सर मुझे थोड़ा शक हो रहा है, यहाँ आसरिया ज्वेलर में कुछ लोग चोरी करने के लिए घुसे हुए हैं। क्या? हाँ। Are you sure? हाँ सर, मैं लगभग श्योर हूँ। यहाँ पर मैं और गिरीश हैं, हम यहीं रुक रहे हैं सर। हाँ, वहीं रुको, देखो और कोई भागने ना पाए। ओके सर, ओके ओके सर, सर आ रहे हैं। हाँ, तू एक दिन इन सब चीजों में मुझे भी फंसाएगा। सबको दूर हटा के फेंक दे। चलो। ताला टूटा पड़ा है। अब वो आदमी कहाँ? अरे स्वच्छ भारत वाला। अरे कहाँ जा रहा है तू? रुक रुक, कौन है यहाँ पे? किसकी आवाज है? ए, क्या हुआ? किसने बांधा है तुझे? खोल दे। किसने बांधा? पता? वो 7-8 लोग थे सर, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा सर और मुझे बांध कर भाग गए। लगता है वो लोग बाहर के थे सर। चिल्लाया क्यों नहीं? कैसे चिल्लाता, उन लोगों ने मेरा मुंह भी बांध रखा था सर। अरे रुक, खोलने दे जरा। नहीं, अंदरूनी चोट है सर, बाहरी चोट नहीं है। क्या सर, आप भी? अब क्या करेंगे? अरे हम लोग क्या करें? SI, रुक ना, SI को आने देते हैं ना। हाँ सर, मुझे उठाइए प्लीज। हाँ आजा, मेरा चप्पल वहाँ है। हाँ। ये सब हुआ कैसे? होल से निकल कर भाग रहे थे और मुझे देख लिया और मुझे बांध दिया। पानी पी। ये ले। किस्मत अच्छी है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं तो आज तू मर जाता, समझा? क्या देख रहा है? हाँ दे दे, ग्लास दे। सर। सर। तुमने बस इसे ही पकड़ा? सर ये तो वो आदमी है जिसने हमारी मदद की है। तो वो किस तरफ भागे? उस तरफ से सर, उस तरफ से भागे थे। पूरा एरिया सर्च करो। ओके सर। सर और तुम सब इस तरफ का एरिया सर्च करो। ओके सर। छान मारो पूरा एरिया। अच्छा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? नहीं सर। श्योर? हाँ श्योर। इस दुकान के ओनर को फोन करो, जब वो आए तभी इसे खोलो। ठीक है सर। नहीं तो कंप्लेंट करेगा कि पुलिस ने चोरी कर ली। फोन करो सर। वो यहाँ से भागे कैसे? मैं मतलब वो दुकान से बाहर कैसे कूदे? हाँ वो बैक साइड से भागे सर। आइए सर, दिखा देखते हैं। नहीं नहीं ठीक है। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो, क्या आसरिया ज्वेली का नंबर है ये? अच्छा हाँ बोलो। मैं पास के पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल मोहन बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो। तुम्हारी ज्वेलरी में चोरी हो गई है। हाँ? हम अभी तुम्हारे ज्वेलरी के सामने हैं, तुम्हें यहाँ जल्दी आना होगा। हेलो भगवान, क्या हो गया? अरे ऐसा क्या हो गया कि रो रहे हो?
चोरी। कहाँ पे? दुकान में। तुम सपने देख रहे हो क्या? दुकान में चोरी हो गई। क्या कहा? दुकान में चोरी हो गई। अरे वहाँ जाके देखना पड़ेगा। चल 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 जल्दी चलो। दुकान में चोरी हो गई। ये चलो राजू जल्दी गाड़ी निकाल। ये बोटल्स मिली है। बस यही सब मिला है। जाओ कहीं फेंक दो इसे। हाँ तो वो लोग कितने आदमी थे? लगभग वो 5-6 लोग थे सर। तुमने कैसे देखा दयानंद? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पेशाब करने के लिए वहाँ गया तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, तब मैंने यहाँ आकर सर को बताया था। कितने आदमी थे, 5 या 6? 6 होंगे सर। 5 थे या 6 थे याद नहीं है सर। क्या उन्हें देख कर पहचान सकते हो? वो सब बाहर के लगते थे सर, मैं कैसे पहचान पाऊंगा। तो तुमने पहले कभी देखा उन्हें यहाँ पर? नहीं नहीं सर, फर्स्ट टाइम आया। मैं हड़ताल की वजह से इस तरफ आया था और मेरा घर यहीं आगे पड़ता है सर, उस तरफ। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या बचा है, क्या ले गए पता नहीं। दुकान खोलनी पड़ेगी। हमें देखना है कि यहाँ क्या क्या चोरी हुआ है। तुम्हें भी पता है ना क्या क्या हुआ है, तो बता देना। खोल खोल दुकान खोल। हाँ, खोलता हूँ। अरे इधर सब टूटा फूटा पड़ा है। लाइट ऑन कर। भगवान, ओ अरे अंदर देख। हेलो सर। हाँ सर, जल्दी देख। पहुंच गया हूँ सर। देखता हूँ देखता हूँ। आधा घंटे पहले ही कॉल। नहीं अरे खोल के देखता हूँ ना। खोल खोल खोल। हम ऑनर का इंतजार कर रहे थे इसलिए हमने दुकान नहीं। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर। अरे जल्दी कर। हाँ खुल गया खुल गया। हाँ है। हाय भगवान, बचा लिया तूने। सारा माल तो यही था। अरे सोना मिल गया सर। सोने की चोरी तो हुई ही नहीं है सर। सर यहाँ सोना है सर, देखिए सर। सर देखिए यहाँ पर सोना है सर। सोने की चोरी नहीं हुई है सर। सर सर सोना यहाँ पर है सर। सर लगता है चोरी नहीं हुई है सर। देखिए सब कुछ सेफ है ना? हाँ सर सब सेफ है। तो बिना हिसाब का भी सोना है क्या? नहीं नहीं सर। तो फिर ये सब क्या है? ये तो अभी त्योहार आ रहा है ना, उसी के लिए बनाया था। सब लीगल है सर। हाँ। अच्छा कैश भी चोरी हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं। कैश नहीं हुआ? नहीं कैश नहीं। वो कौन है? ईश्वर। नहीं वो कौन है साहब? उसका नाम ईश्वर है, मैनेजर है। मैनेजर। तो सुनो सारा अकाउंट चेक करके हिसाब लगा लेना। नहीं नहीं सब सही है, रहने दीजिए, कंप्लेन नहीं करनी है। अगर तुम्हारी कंप्लेन नहीं है तो हमें भी लफड़े में नहीं पड़ना। हमारे पास और बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं। है, जो भी हो चेक कर लो सब कुछ, कहीं कुछ कमी तो नहीं है। ओके सर। अगर ये सही टाइम पर नहीं आता ना तो वो सब चुरा के ले जाते। तुम्हें इसको थैंक्स बोलना चाहिए। दयानंद हो ना? जी सर। शाबाश, कीप इट अप। ठीक है चलता हूँ। चलता हूँ मैं। दयानंद तुम्हारे पास गाड़ी है या नहीं? नहीं सर। ठीक है आओ, इसको छोड़ देना। हाँ जी सर। ठीक है सर। और मीडिया को मत बुलाओ। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है। दयानंद सर, मैं और पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तो तुम कल पुलिस स्टेशन आ जाना। ठीक है सर। इसे घर छोड़ दो भाई। ओके सर। सर इसको बुलाकर सुबह डिटेल में स्टेटमेंट ले लेना। आपका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? पुलिस ने पीते हुए पकड़ लिया था क्या? कुछ जरूरी बात करनी है, अंदर आओ। अरे अंदर आओ। ये तो मेरी बाइक है,
इतने दिनों बाद दिखाई दी। ओ गॉड, ये तो चमत्कार हो गया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। अरे सुनो, मेरी बाइक मुझे मिल गई है, मैं अभी आता हूँ। थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, मेरी बाइक। सही सलामत है। हाय हाय। हेलो, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, क्या हाल चाल है? हाय, ये तुम्हारा नेकलेस। हाँ, खुश हो ना? अरे, ये चोट कैसे लगी? कुछ तुम्हें नहीं। भी बहुत परेशानियां रहती है ना? थोड़ा बहुत। अच्छा, तुम्हारे पापा गए क्या? पर तुमने तो कहा था कि आने वाले। मुझे पता था अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो मेरा नेकलेस नहीं मिलता। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी ना, ये रख लो। ये विटामिन की गोलियां हैं, शरीर के लिए बेस्ट हैं। रख लो। और सुनो, खाने के बाद दिन में 3 बार लेना। विटामिन की गोलियां, पता नहीं मुझसे क्या कराना चाहिए। अरे जल्दी करो ना भाई, मुझे किसी की 1 इंच भी जमीन नहीं चाहिए। अगर मेरे हिस्से से कुछ इंच चली जाती है तो कोई बात नहीं। सर, मैंने पूरी जमीन देख ली है, पूरा नाप लिया। अच्छा, सब ठीक ठाक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक दीवार बनाऊंगा 10 फुट ऊंची, जिससे इनका चेहरा ना दिखाई दे। इसको ऊंची दीवार से कूदने की आदत है। कोई बात नहीं, लो चाय पियो और उनको भी दो। चेची, चेची, एक ग्लास पानी देना। सही वक्त पे शादी ना करना भी एक बड़ी परेशानी है। हमें इसके साथ नहीं उतरना चाहिए। तेरे बोलो, वो अंदर सो रहा है। जानता हूँ मैं। और चाहिए क्या? हेलो, हेलो। हाँ बोल प्रथमेश। हाँ बोलना। हाँ, मैं ऑडिटोरियम के पास हूँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। तुम सीधे वहाँ जाना। उन्हें भी लेते आऊंगा। ठीक है, ओके। हाँ, ओके ओके। मिलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। मैंने बताया तो था। तो फिर तू कैसे आया, बस या ट्रेन से? अरे नहीं यार, बस से नहीं आया मैं। तो फिर क्या, उड़ के आया क्या? शिवन भाई, मैंने केवल फादर की बाइक नहीं लौटाई, अंकल की भी बाइक लौटा दी है, और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का जो सामान मैंने लिया था सबको लौटा दिया है, और इससे भी ज्यादा। ये बंदा क्या आज बकने वाला है? वहाँ देखो कौन है वहाँ। विल्सन भाई। हाँ विल्सन भाई। तो यही है चेन वाली बच्ची। देखो अंकल को देखो। आ जाओ इधर, आ जाओ। चलो अभी हम लोग अंकल से मिलेंगे। वो देखो अंकल आ रहे हैं। विल्सन भाई, चिंता की बात नहीं है। और भाई कैसा है? हाँ सब ठीक है। ये 3.5 तोले की चेन देने के बाद माँ का चेहरा खिल उठा। और गोल्ड के मामले में माँ और बेटी एक जैसी है। मैं लकी हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई। इसका मुँह तो बिल्कुल मछली जैसा लगता है। एक सेल्फी लेता हूँ। हमारे प्यारे, हमेशा ऐसा ही लगता है। सम्मान में। अरे किसके साथ सेल्फी ले रहा है? चल। अब हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं दयानंद जी के लिए, जो इस धरती पे जन्मे हैं समाज की सेवा के लिए। उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम दरवाजे के ही पास खड़े रहेंगे, अगर कोई दिक्कत आई तो भागने में आसानी होगी। आपको इन शब्दों के लिए शुक्रिया माननीय है मेरे विजयलक्ष्मी जी। अब हमारे प्यारे दयानंद सर को मैं बुलाना चाहूंगा उनके अनुभव हमारे साथ यहाँ बांटने के लिए। वो आए और हमें कुछ कहें। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारी माननीय उपस्थित एमएलए श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, एक्स एमएलए वासुदेवन जी, वडक्कन चेरी के एसआई श्री विनोद मैथ्यू, राष्ट्रीय बोधन विद्यालय के सेक्रेटरी श्री दीनबंधु जी, त्रिशूर इलाके के असिस्टेंट बिशप फादर डोमिनिक चाणक्य,
और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि और मेरे प्यारे लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। दरअसल मैं अभी क्या बोलूं? मैं सच में हैरान हूं अपने लिए आप लोगों का प्यार और सम्मान देखकर। इतने सम्मानित अतिथियों के साथ इस स्टेज पर खड़े होने में समर्थ हूं और लोगों से बात करने में समर्थ हूं, ये मेरा सौभाग्य है। बचपन से ही मैं लोगों की मदद करता आया और उनकी सेवा करता आया हूं, इसमें मेरा हमेशा रुझान रहा है। इसीलिए मैंने 12 साल तक एक बार में सप्लायर के रूप में काम किया। बार के लिए 12 साल तक सप्लायर का काम करते करते मुझे पता चला कि ये काम मेरे लिए नहीं है। जब नई सरकार आई तो नए नए कानून बने और उन्होंने कई नई घोषणाएं की, जिससे मेरी नौकरी चली गई। मैं बेरोजगार हो गया। ये सोचकर मैं इंतजार करते रहा कि शायद उनकी घोषणाओं में कुछ तो बदलाव आएगा और मेरे द्वारा मेरे घर की सेवाएं बंद हो गईं। आज तेरे पापा को ऐसा क्या हो गया जो ये बोल रहे? इन सारी उपलब्धियों के पीछे मेरी जिंदगी में जो है वो मेरी पत्नी है। जब भी मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे कहा, आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है, आप उससे भी बड़ा कर सकते हैं, है ना? वैसे वो एक मासूम लड़की है जो आज तक मुझे झेलती रही, लेकिन कभी भी एक शब्द बुरा भला नहीं कहा। एक दिन किसी काम के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तब मेरी पत्नी ने मुझसे ये कहा कि मैं गिरवी रखे हुए सोने को बेच दूं। मैं राजी हो गया। और जब मैं उसे बेचकर पैसे ला रहा था, तब रास्ते में दो बाइक वाले बदमाश आए और मुझसे पैसे छीनकर वो भाग गए। और इसके जो गवाह थे वो ऐसे चले गए जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा, हे भगवान, ये शहर ऐसा क्यों है? हर तरफ बस चोर ही भरे पड़े हैं और कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने अपने पैसे खोए हैं, बल्कि यहाँ के हालात को देखकर कह रहा हूँ। जब मैं पुलिस स्टेशन गया अपने पर्स खोने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, मैं वहाँ पहुंचकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वहाँ सैकड़ों केस ऐसे थे, मारपीट के, चोरी के, रेप के, किडनैपिंग के और ना जाने क्या क्या, बहुत सारे केस भरे पड़े थे। उस दिन मुझे पूरी तरह समझ में आ गया, हमारे शहर में पुलिस वाले बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और नियम कानून के साथ काम करते हैं। फिर मैंने अपने दोस्त से उधार लेने की बात सोची और अलुआ के लिए बस पकड़ी। जब मैं त्रिशूर से वापस आया तो मुझे पता चला कि यहाँ हड़ताल है। मैं क्या करता, बस नहीं, ऑटो रिक्शा नहीं और ना ही कोई बाइक जिससे मैं लिफ्ट मांगता, कोई साधन नहीं था। मैं पैदल चला, पैदल ही चलता रहा और कुछ दूर चलने के बाद मैं आश्रया ज्वेलरी के पास पहुँचा। मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने के बाद मैं वहीं पर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद ही मैंने अंदर से कुछ आवाजें सुनी। जब पीछे मुड़कर देखा तो ताला टूटा पड़ा था। तब मैं समझ गया कि अंदर जरूर कोई चोर है। मैं खड़े होकर इस बारे में सोच ही रहा था कि भगवान की तरह दो पुलिस वाले आ गए। मुझे लगा भगवान ने मेरी मदद कर दी। मैंने उन्हें सारी बातें बताई और चोरों को पकड़ने में उनकी मदद की, लेकिन चोरों ने मुझे पीट कर बांध दिया और वो भाग गए। वैसे ये पुलिस वाले हैं तो बहुत ही काबिल। दरअसल इन लोगों को भी सम्मानित करना ही चाहिए। सर, डिपार्टमेंट को इन्हें प्रमोशन भी देना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। हाँ, हाँ, वो है वो पुलिस वाले। अरे ये तो मेरे ही दुकान का माल लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इस चोरी के पीछे जो मुख्य कारण है वो है चेतन भाई की ईमानदारी। जरा आप लोग ही सोचिए, इस शहर में जितने भी सोना बेचने वाले लोग हैं वो काला बाजारी करते हैं, बिना हिसाब का सोना बेचते हैं। आश्रया ज्वेलरी में एक भी बिना हिसाब का सोना नहीं मिला। इस बात पर भी हम लोगों को गौर करना चाहिए। ये चेतन भाई के बिजनेस के 96% शुद्धता है, ये भगवान भी जानते हैं और शायद इसीलिए भगवान ने उनके सामने खाली लॉकर रखा हुआ है ना? बिल्कुल सच बात कर रहे हैं कि बेइज्जती। अरे तू अपना दिमाग मत लगा। चेतन भाई और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। ये तो ठीक है, इन सब परेशानियों का कारण क्या है? मैं उस रात को अपने घर तक पैदल क्यों जा रहा था? उस रात शहर की सारी सड़कें सुनसान क्यों थी?
और चोरों ने चोरी करने के लिए उस रात का ही चुनाव क्यों किया? हड़ताल की वजह से, क्योंकि उस दिन एक राजनेता का खून हो गया था। ये सब हम लोगों से जुड़ा है, इसीलिए हिंसा खत्म करनी होगी। दिन दहाड़े बीच सड़क पर एक राजनेता की हत्या की गई, यही कारण है। और ऐसी वारदातों को खत्म करना होगा। जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, उसको इस दुनिया में जीने की पूरी आजादी होती है। पर कौन कहता है कि ऐसे जानवरों को भी इस दुनिया में जीने का समान अधिकार है? सिर्फ हमें, हम इंसानों को जीने का अधिकार क्यों नहीं है? ऐसी हिंसक राजनीति यहाँ से खत्म होनी चाहिए। हम सभी इस स्टेज पर खड़े होकर एक शपथ लेते हैं कि राजनीति के नाम पर एक बूंद खून इस धरती पर नहीं गिरना चाहिए। आखिर में मुझे एक रास्ता मिल गया। मैं समझ गया कि मैंने आज क्या हासिल किया है। फिर भी मेरी उपलब्धि बहुत ही छोटी है। यहाँ बैठे सम्मानित लोगों के पास मुझसे भी कई गुना ज्यादा उपलब्धियाँ हैं। उन्होंने सैकड़ों बार हजारों लोगों की सेवाएं की हैं। इनसे ही हमें सीखना चाहिए, इनके रास्ते पर चलना चाहिए। हम जितनी सेवा करेंगे, बदले में हमें उतना सम्मान मिलेगा, और इस बात का हमें पालन करना चाहिए। इसको लेकर कोई गेम खेले क्या? क्या बोलता है? मैं एक बार फिर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फादर डोमिनिक चाणक्य को दो शब्द बोलने के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। क्षेत्र की तरक्की के खातिर, हमारे शहर को तरक्की से और ज्यादा तरक्की की ओर ले जाने के लिए अपना एक एक वोट उसे दें जो इस शहर को जानता हो और जो शहर उसे भी जानता हो, और हमारे जो बीच का हो और इस शहर का चहेता हो, हमारा साथी मणि। अपना वोट आप उसे दें फौलाद हाथ वाले चिन्ह पर। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उसे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए, अपने शहर की तरक्की के सपने को साकार करने के लिए अपना हर वोट फौलादी हाथ वाले निशान पर दें। लेकर आ रही शिवम भाई, ये तो इनका दिया है, कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना? अगर होती है तो होने देना भाई, डोंट वरी। Oh,
काली नगर में काली चरण के काले कारनामे को बार बार नमस्कार। स्वर्ग किसने देखा है, जो मिलेगा यही मिलेगा, उधार में घी खा लो वारे वारे भाई नमस्कार। कोई कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहे, अपनी बस करते रहो नमस्कार। पूछना मत धर्म के ठेकेदारों से, जो दिल में आए बस तू वही करवा रे नमस्कार। हौले हौले पग बढ़ाए उल्लू जैसा ताक, साहू तो है डाल डाल पे चोर यहाँ पात पात, कभी सोए को कभी उठाए उठा लिए तो खाट, किसको कहे यह कौन बचा है क्या गली क्या घाट। अपनी जेब तो कोई ना देखे दूसरे के बटुए पे आया रे आया रे आया रे आहा आया रे आनंद दंड दंडवत बलियारी दंड दंडवत बलियारी। चोरों के पीछे सिपहिया पीछा करते जाए, देख देख पीछे पड़े हैं मिल जाए तो है माल हजम, चोर कौन है इनको पता है बढ़ाए अपने कदम। चारों ओर मचा है शोर करने लगे सब चहल कदम, आया रे आया रे आया रे आहा आया रे आनंद दंड दंडवत बलि दंड दंडवत बलि।